दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2024 को लेकर के अपडेट आ गया, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे यूपी पुलिस न्यू एग्ज़ाम डेट और इसमें कब से लिए जाएंगे एग्ज़ाम, और इसमें आप लोग देखेंगे इतना नंबर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो कुल जो रिक्वायरमेंट है 60,244 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। और बड़ी खबर यूपी पुलिस को लेकर के ये है कि इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें फॉर्म का करेक्शन का जो है अपडेट मेंशन कर दिया गया, जो आप लोग 17 और 18 तारीख के बीच में जैसे आपके फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसमें कहीं भी अगर आपको गलत हुआ है, ठीक है, तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो उसका डेट आ गया है, ठीक है, जिसमें आप लोग 17 और 18 तारीख को, 17 और 18 जनवरी को आप लोग जा करके उसमें इजिली उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें नाम में भी कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप लोग को कहीं गलत हुआ है तो 17 और 18 तारीख में जा करके इस डेट में अपना फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें एग्ज़ाम को लेकर के कब तक आप लोग को एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, और इसमें क्या आप लोगों को कट ऑफ रहेगा, ठीक है, इस वर्ष और पिछले वर्ष क्या कट ऑफ था, उसको भी लेकर के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्ज़ाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाए। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यूपी पुलिस ऑनलाइन अप्लाई एग्ज़ाम डेट 2024, ठीक है। तो इसमें जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी को मेंशन किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है लगभग मतलब उसमें भी संभावित डेट बताया गया 18 तारीख, ठीक है, यानी 18 फरवरी, क्योंकि इसमें अभी तक लगभग मतलब 40 लाख के आसपास फॉर्म को फिलअप किया जा चुका है, ठीक है, ऐसे कुछ लगभग में किया गया है, ठीक है। ये फॉर्म अभी मतलब देखेंगे तो इसमें करेक्शन हो करके अभी देखेंगे तो 2 दिन करेक्शन का भी डेट दिया गया है, यानी जो भी उसमें गलत हुआ है उसको आप लोग सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म की संख्या बहुत अधिक फिलअप हुआ है, ठीक है, और एग्ज़ाम आप लोग को जो है 18 फरवरी से होने वाला है, ठीक है। तो वो 18 फरवरी में भी लगभग मतलब वो भी संभावित डेट मेंशन किया गया है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी दिया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप लोग इस वीडियो में डिटेल में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 60,244 पदों पे जो आप लोग को रिक्वायरमेंट आया है, परीक्षा की तिथि मतलब कब होगी और इसमें कितने नंबर होंगे जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको भी लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यूपी पुलिस ऑनलाइन अप्लाई एग्ज़ाम डेट 2024, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए तो यहाँ पे यूपी पुलिस ऑनलाइन अप्लाई एग्ज़ाम डेट 2024 में इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा 30/12/2024 को ये अपडेट दिया गया था और इसमें फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ पे 16 जनवरी 2024 तक ही था, ठीक है, यानी लास्ट फॉर्म भरने का डेट था 16 जनवरी 2024 तक निर्धारित किया गया था और इसमें फॉर्म का करेक्शन का डेट जो है 17 और 18 तारीख को दिया गया है, ठीक है, और पेमेंट करने का डेट 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें मिला है, ठीक है ना। तो ये सारा डिटेल है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूपी पुलिस ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पे परीक्षा की तिथि की बात करें तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है, जो आप लोग को एग्ज़ाम होगा वो किस तरीका से होगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा की तिथि के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें 18 फरवरी को एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, 18 फरवरी 2024 से परीक्षा शुरू होगी। हालाँकि आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, पर पूरी उम्मीद है कि 18 फरवरी 2024 को ही परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये आप लोग को डेट दिया गया 18 फरवरी 2024 को ही एग्ज़ाम लेने का, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे कि मतलब फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, अब यूपी में क्या है कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि उस समय जो है यूपी पुलिस में बहुत अधिक फॉर्म फिलअप किया गया है, ठीक है, तो इसके लिए ऑफलाइन सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर बनाए जाएंगे और ये सभी ऑफलाइन जो सेंटर बनाएंगे हर एक स्कूल में आप लोग को इसका सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर सीट मतलब ये रहा सब चीज़ फाइनल तो ये आप लोग को 18 तारीख को एग्ज़ाम फाइनल ले लिया जाएगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डेट पोस्टपोन्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे आप लोग को तैयारी में जुटे रहना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिटेल मेंशन किया गया है, ठीक है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हम मेंशन किया गया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पोस्ट नेम में यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया और यहाँ पर देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 12/23/2023 का था और इसका जो है आप लोग देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था 27 दिसंबर से और 16 दिसंबर लास्ट डेट था, ठीक है। करेक्शन का डेट इसमें दिया गया है जैसे कि इसमें जो मतलब जो भी गलत अगर होगा तो उसको आप लोग सुधार कर पाएंगे, जिसका आप लोग को 17 और 18 तारीख को इसमें डेट को मेंशन किया गया है, ठीक है, यानी 17-18 तारीख में आप लोग जाकर के अगर कहीं भी गलत हुआ है कहीं भी फॉर्म भरने में, ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर इजीली सुधार कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की तिथि 2024 का संभावित तिथि जो है 18 फरवरी 2024 बताया जा रहा है, ये भी 90% कन्फर्म है, ठीक है,
10% चांस है कि डेट बदल सकता है, ठीक है। तो अपना तैयारी में जुटे रहिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। यहाँ पे आप लोग को यूपी पुलिस से लेकर के कंप्लीट वीडियो आ रहा है, जिसमें आप लोग को जीके जीएस का जो आप लोग को 37 क्वेश्चन रहेगा तो उसका अलग सेट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हिंदी का जो 37 क्वेश्चन रहेगा इसका अलग सेट आ रहा है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आप लोग को जैसे सब्जेक्ट वाइज इसमें प्रैक्टिस सेट आ रहा है, रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट है, उसी से आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को 37 नंबर हो जाएगा, ये 37 नंबर। उसके बाद रीजनिंग का जो आप लोग को 55 का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को इसका तीन चीज़ का आप लोग को सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ये तीन सेक्शन आप लोग कर लेते हैं तो भी आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं तीन सेक्शन पे हम इस चैनल पे काम करने जा रहे हैं और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप लोग को आज से आना स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो 60,244 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग को ये सारा जो है यहाँ पर जैसे कि क्या क्या मार्क्स आप लोग लाना हो पड़ेगा, जैसे आप लोग देखेंगे पिछले वर्ष का जो कटअप क्या रहा है, ठीक है। तो युवा कैटेगरी का 92 से 95 मार्क्स मतलब प्रश्न अगर सही करेंगे तो उनका 185 से 190 अंक आएगा, ठीक है। तो इतना पे कटअप मतलब इतना के आसपास अगर नंबर ला देते हैं तो आप लोग का रिजल्ट भी हो जाएगा, मेरिट भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जो है जैसे आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोग को अंक मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को पढ़ाई जारी करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से पूरा डिटेल में आप लोग तैयारी कर पाएँ, ठीक है। और ये सारी जानकारी है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका एज वगैरह सब चीज़ यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया गया था और इसमें जो है ये सब आप लोग को पता ही है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे कि ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और माप जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होगा, ठीक है। रनिंग वगैरह सब चीज़ आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स कराएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो है जैसे कि इसमें आप लोग को बेहतर रूप से कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और ये सारे चीज़ आप लोग को यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।